हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 18 जुलाई और 19 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। प्रश्नों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है, आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू करने की योजना बनाई है? मास्क नहीं पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान शुरू करने की योजना बनाई है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसमें मध्य प्रदेश सरकार लोगों को जागरूक कर रही है कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति दिखता है जो मास्क नहीं पहन के निकल रहा है तो आप उसे रोक के टोक सकते हो कि भाई आप मास्क पहनो। इस योजना का पूरा उद्देश्य ये है कि लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करना, क्योंकि कोविड-19 के केस लगातार हमारे देश में बढ़ रहे हैं। इस वजह से लोगों को जागरूक करने के लिए सरकारें अलग अलग तरीके से, प्रत्येक राज्य सरकारें अपने लिए अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से कोई ना कोई अभियान चला रही है। कोविड-19 के खिलाफ जो और प्रमुख अभियान हैं उनको मैं रिपीट कर रहा हूँ। वैसे ये सारे अभियान जब मैंने क्वेश्चन कराए और जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं लर्निंग बुक के करंट अफेयर के वीडियो से, उन्हें ये सब पता होगा, बस उनका रिवीजन होगा। और जो अभी पहला वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये नया होगा। देखिए, ऑपरेशन शील्ड चलाया दिल्ली गवर्नमेंट ने, ऑपरेशन 5T दिल्ली गवर्नमेंट की स्कीम है। नमस्ते ओवर हैंडशेक, ये बहुत ही फेमस स्कीम थी कर्नाटका सरकार की। टीम 11 ये यूपी गवर्नमेंट की स्कीम थी। मो जीवन ये उड़ीसा सरकार की स्कीम थी। मोदी किचन तमिलनाडु सरकार ने चलाया था, तमिलनाडु की सरकार ने। और किल कोरोना ये मध्य प्रदेश सरकार की स्कीम थी, और रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश सरकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन ने साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के लिए इंडिया साइकिलिंग फॉर चेंज चैलेंज के लिए पंजीकरण खोला है। स्मार्ट सिटी मिशन किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? स्मार्ट सिटी मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के तहत कार्य करता है। इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के हालिया सर्वेक्षण ने यह संकेत दिया कि लॉकडाउन में शहरों में साइकिल से चलने वालों की संख्या में लगभग 50-65% की वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए ही स्मार्ट सिटी मिशन ने भी अपना एक स्कीम चला दिया कि इंडिया साइकिलिंग फॉर चेंज चैलेंज, इसके लिए उन्होंने पंजीकरण खोला ताकि लोग अधिक से अधिक जागरूक हों और साइकिल का प्रयोग करें। साइकिल का प्रयोग करने से एक तो देखिए हेल्थ फिटनेस पे फर्क पड़ेगा लोगों के, और अभी बताया जा रहा है कि जिनकी हेल्थ अच्छी है उनको कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस कम इफेक्ट कर पा रहा है, और जो मॉर्टेलिटी रेट जिनकी भी मृत्यु हो रही है कोविड-19 से वो पहले ही किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं। ज़्यादातर मृत्यु ऐसी ही व्यक्तियों की हो रही है, और जो स्ट्रांग हैं, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, अगर उनको कोविड-19 का इन्फेक्शन हो भी रहा है तो भी वो जो है उनकी डेथ नहीं हो रही है, वो रिकवर कर जा रहे हैं। तो यानी कि फिट होना कोविड-19 से लड़ाई के लिए बेहद ही ज़रूरी है। इसी सबको देखते हुए और साइकिलिंग करने से इंसान फिट होता है, इसीलिए स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के लिए पंजीकरण खोला है। और एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट पॉलिसी ने हालिया सर्वेक्षण में भी ये संकेत दिया कि लॉकडाउन में शहरों में साइकिल से चलने वालों में 50-65% की वृद्धि हुई। ये वृद्धि तो हालांकि इसलिए हुई क्योंकि लॉकडाउन के दौरान गाड़ियों को निकालने पे मना था, तो लोग साइकिल से अपने काम को कर रहे थे, उसलिए इस वजह से ये वृद्धि हुई थी। अभी जो ये गवर्नमेंट स्मार्ट सिटी मिशन के तहत साइकिल चलाने को बढ़ावा देने के लिए जो ये स्कीम चला रही है, इसका उद्देश्य लोगों को हेल्थ को फिट रखना है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर हैं हरदीप सिंह पुरी ही सिविल एविएशन के भी मंत्री हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक फोरम में सतत विकास 2020 पर भारत की दूसरी स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा प्रस्तुत की? नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम का जो आयोजन हुआ उसमें एक स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा की प्रस्तुति दी। नीति आयोग जब मोदी गवर्नमेंट पहली बार बनी थी यानी कि मई 2014 में बनी,
और 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया। नीति आयोग का गठन योजना आयोग को खत्म करने के बाद किया गया। तो ज़्यादातर जो नीति आयोग का स्ट्रक्चर है वो योजना आयोग के स्ट्रक्चर से मैच करता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके जो अध्यक्ष होंगे वो तत्कालिक प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि जो जिस समय प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। यानी नरेंद्र मोदी जी अभी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं, और इसके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत हैं। यूनाइटेड नेशन की सहायक एक है, यूनाइटेड नेशन की सहायक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसी ने इस जो है समीक्षा के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया था। जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, उसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क USA में है, और इसके चेयरमैन मोना जुयाल हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने वीजा के साथ भागीदारी की है ताकि बैंक के कार्डधारकों को सुरक्षित वीजा प्रदान किया जा सके? फेडरल बैंक ने अपने कस्टमर के लिए एक सुरक्षित वीजा कार्ड प्रदान करने के लिए वीजा के साथ भागीदारी की है ताकि जो धोखाधड़ी होती है कार्ड के जरिए वो ना हो सके। इसके लिए कई स्तर के सुरक्षा की बात करते हुए फेडरल बैंक ने वीजा के साथ समझौता किया है। वीजा जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है, इसके चेयरमैन और CEO अल्फर्ड एफ केली हैं, और फेडरल बैंक का हेडक्वार्टर आलुआ केरला में है, इसके चेयरमैन श्याम श्रीनिवासन हैं। फेडरल बैंक की टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत किस देश का शीर्ष व्यापारिक भागीदार रहा? देखिए, सबसे अधिक व्यापार भारत ने किया अमेरिका के साथ, और दूसरे नंबर पे भारत ने जो सबसे अधिक व्यापार किया वो चाइना के साथ किया। लेकिन जो यहीं पे दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम ट्रेड डेफिसिट किस देश के साथ रहा, यानी कि सबसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट की किस देश से भारत ने अधिक सामान मंगाए और उस देश को कम सामान बेच पाया, ये देश है चाइना। और ट्रेड डेफिसिट किसी भी देश के व्यापार के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। तो मैक्सिमम अगर हम बात करें व्यापारिक भागीदारी भारत की 2019-20 में सबसे अधिक रही अमेरिका के साथ, लेकिन अगर मैक्सिमम ट्रेड डेफिसिट की बात करें तो ये पहले नंबर पे भारत की ट्रेड डेफिसिट सबसे अधिक चाइना के साथ रही, और दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया के साथ। यानी चाइना ने हमसे बहुत ही कम सामान खरीदा जबकि हमने चाइना से बहुत ही अधिक सामान खरीदा। ट्रेड डेफिसिट मैं फिर से बता रहा हूँ किसी भी देश के व्यापार के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। और एक क्वेश्चन और, अभी इसको मैंने कराया लेकिन फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश का भारत में सबसे अधिक रहा 2019-20 में? 2019-20 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे अधिक रहा सिंगापुर का, और FDI में ही दूसरे नंबर पे रहा मॉरिशस। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो गया कि भारत का सबसे अधिक व्यापारिक भागीदारी किसके साथ रही? संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। मैक्सिमम ट्रेड डेफिसिट भारत का किसके साथ रहा? पहले नंबर पे चाइना और दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया। और सिंगापुर FDI में भारत में पहले स्थान पे रहा, जबकि इसी FDI में ही मॉरिशस दूसरे स्थान पे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताएं जिसने भारत में $10 बिलियन डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा की है। गूगल ने भारत में इंटरनेट, सर्च इंजन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवर्टाइजिंग, इन सब के लिए, यानी कि भारत को अधिक डिजिटल बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन फंड की घोषणा की है $10 बिलियन की। और ये घोषणा जो है, जो गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन दोनों के बातचीत के दौरान ये घोषणा की गूगल ने कि वो भारत में $10 बिलियन देगा भारत के डिजिटलाइजेशन के लिए। गूगल के फाउंडर लारी पेज हैं, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है, और गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस तकनीकी दिग्गज कंपनी ने CBSE के साथ साझेदारी की? ये साझेदारी भी गूगल ने ही की है। CBSE बोर्ड के क्लासरूम को डिजिटल बनाने में मदद करने के लिए CBSE ने गूगल के साथ समझौता किया है। CBSE का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके चेयरमैन मनोज आहूजा हैं, और गूगल के बारे में अभी पहले बताया है कि मैंने, उसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है, उसके CEO सुंदर पिचाई हैं, गूगल के फाउंडर लैरी पेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ 14,000 पुलिस स्टेशनों से जुड़े एक केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस का उपयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये हस्ताक्षर किया है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ने। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड ने NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता FIR और चोरी हुए वाहनों का विवरण प्राप्त करने के लिए क्राइम और क्राइम नेटवर्क डेटाबेस तक पहुंचने के लिए किया गया है। यह समझौता कई सारी केंद्रीय एजेंसियां जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, रॉ के लिए भी डेटा को उपलब्ध कराएगा। NCRB का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसके डायरेक्टर रामफल पवार हैं। इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य ये है कि 31 दिसंबर 2020 तक क्राइम के रिकॉर्ड को लाइव कर दिया जाए, जिससे कि जो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो और रा जैसी एजेंसियां हैं उनको भी अपने किसी भी मिशन में मदद मिल सके। तो ऑप्शन डी इसका नेट ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में स्टार्टअप लिस्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए IIT पूर्व छात्र परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। BSE का MD और CEO कौन है? देखिए, BSE ने स्टार्टअप को लिस्टिंग करने के लिए, स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए IIT पूर्व छात्र परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इन सभी स्टार्टअप के लिए एक उच्च निवेशक प्लेटफार्म को विकसित करना मकसद है BSE का, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। इसीलिए इसने IIT पूर्व, मतलब सारी लिस्टिंग कर लेगा BSE। देखिए होता क्या है कि जैसे कोई कंपनी है, आपने सुना होगा कि शेयर खरीदने की बात होती है, तो शेयर खरीदने के लिए कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, उन्हीं प्लेटफॉर्मों में से एक प्लेटफॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी हम अपनी कंपनी खोल के तो तुरंत लिस्टिंग करा नहीं सकते कि हमको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मौका दे दे कि हमारा शेयर कोई खरीदे, और अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मौका दे भी देगा तो हमारी कंपनी के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन हैं कि आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराएंगे तो आपके शेयर को पब्लिक खरीदेगी, आपके पास पैसा आएगा, और आप अपने प्रॉफिट के हिस्से से जितने का शेयर जो खरीदता है उसी अनुपात में उसे भी अपने प्रॉफिट का हिस्सा देना होता है। यही काम होता है स्टॉक एक्सचेंज का। इसी क्रम में जो नए नए स्टार्टअप हैं, जो अच्छे स्टार्टअप हैं, उनकी लिस्टिंग करेगा BSE और उनके लिए निवेशक प्लेटफॉर्म को विकसित करेगा। इसी के लिए उसने IIT के पूर्व छात्र परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। माना यह जाता है कि जो स्टार्टअप कंपनियां IIT द्वारा शुरू की जाती हैं वो कहीं अच्छा परफॉर्म करती हैं, इसीलिए IIT के पूर्व छात्र परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है BSE ने। क्वेश्चन ये है कि BSE के MD और CEO कौन है? तो BSE का हेडक्वार्टर पहले जान लेते हैं, ये मुंबई में है। इसके MD और CEO जो क्वेश्चन में है ये आशीष कुमार चौहान हैं, और यहीं पे हम जान लेते हैं BSE के चेयरमैन न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन हैं। IIT का पूर्व छात्र संघ परिषद है, इसके अध्यक्ष या फिर मुख्य स्वयंसेवक रवि शर्मा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंद्रे जेज सेवेस्टीन डुडा ने किस देश का राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? आंद्रे जेज सेवेस्टीन डुडा ने पोलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ये इनकी पार्टी का नाम लॉज एंड जस्टिस पार्टी है। इनका ये दूसरा लगातार कार्यकाल होगा। इससे पहले इन्होंने 2015 में जीता, 2020 तक रहे, और फिर 2020 का इलेक्शन इन्होंने जीता, यानी लगातार ये इनका दूसरा कार्यकाल होगा। पोलैंड ये यूरोपियन देश है, इसकी कैपिटल वारसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप में
एलीट्स टेक्नो मीडिया द्वारा प्रस्तुत एलीट एक्सीलेंट अवार्ड 2020 प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने एलीट एक्सीलेंट अवार्ड 2020 को प्राप्त किया। क्या है ये? देखिए, छत्तीसगढ़ का जो पोर्टल है दर्पण पोर्टल, इस पोर्टल और ऐप में छत्तीसगढ़ सरकार की सभी योजनाओं का विवरण शामिल है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी व्यक्ति ये जान सकता है कि छत्तीसगढ़ सरकार कौन कौन सी योजनाओं को चला रहा है, उस योजनाओं के लिए कितना फंड गवर्नमेंट ने दिया है और कितने फंड को खर्च किया जा चुका है, कितना फंड खर्च किया जाना बाकी है। पोर्टल पर टॉक टू द सीएम, टॉक टू द मुख्यमंत्री सुविधा नागरिकों को अपने छत्तीसगढ़ के सीएम से अपने विचार को साझा करने के लिए भी एक मंच प्रदान करता है और इसीलिए ये पोर्टल को एलाइट एक्सीलेंट अवार्ड 2020 प्राप्त हुआ। एलाइट एक्सीलेंट अवार्ड आईआईटी की कई सारे आईआईटी संस्थाओं ने मिलकर इस पुरस्कार की घोषणा की है, मतलब कि ये पुरस्कार कई सारे आईआईटी द्वारा सर्वेक्षण के बाद दिया जाता है। और इस साल एलाइट एक्सीलेंट अवार्ड मिला दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप। ये कहाँ का है दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप? ये है छत्तीसगढ़ का। कुछ और भी जो महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं उसको यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो। देखिए, उत्कर्ष बंगला और सबुज साथी, ये वेस्ट बंगाल की स्कीम है, वेस्ट बंगाल सरकार की स्कीम है जिसे यूनाइटेड नेशन द्वारा पुरस्कृत किया गया था पिछले वर्ष 2019 में। ये एंगेस्टर का स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था। और एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार इस वर्ष का है, कोरोना वायरस पैंडमिक से फाइट में सबसे अच्छे प्लान के लिए केरल की हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा को यूनाइटेड नेशन में सम्मानित किया गया। केरल की हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा को यूनाइटेड नेशन में सम्मानित किया गया। कोरोना वायरस पैंडमिक में कोरोना वायरस महामारी में फाइट में सबसे अच्छे प्लान के लिए। तो एक हो गया आपका एलीट एक्सीलेंट अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिला, दूसरा यूनाइटेड नेशन ने पिछले वर्ष उत्कर्ष बंगला और सबुज साथी अवार्ड दिया था वेस्ट बंगाल को, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और कोरोना वायरस पैंडमिक से फाइट में सबसे अच्छे प्लान के लिए केरला की हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा को यूनाइटेड नेशन में अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 में शीर्ष प्रचारक सम्मान किसे प्राप्त हुआ? शीर्ष प्रचारक सम्मान वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार 2020 के लिए सचिन अवस्थी को दिया गया। सचिन अवस्थी नेशनल मीडिया क्लब के अध्यक्ष हैं तथा श्रीराम सेवा मिशन के संस्थापक हैं। सचिन अवस्थी को लंदन में एक आभासी मंच पर गूगल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 गूगल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 यही वैश्विक मानवता पुरस्कार 2020 को इंग्लिश में गूगल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 बोलते हैं में शीर्ष प्रचारक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सचिन अवस्थी ने 2014 में स्वच्छ भारत सुंदर भारत मिशन का उद्घाटन किया था और भारत की स्वच्छता के लिए पहला टोल फ्री नंबर भी जारी करने वाले सचिन अवस्थी ही थे। सचिन अवस्थी ने स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कुल 5300 किलोमीटर जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी तक साइकिल चलाई थी, जिसके लिए नेशनल मीडिया क्लब ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी जगह बनाई थी। और अभी जो है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन जो है इसका ऑफिस है लंदन यूनाइटेड किंगडम में और इसके फाउंडर चेयरमैन अब्दुल वासित सैयद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 730 करोड़ रुपए में जियो प्लेटफॉर्म हिस्सेदारी का कितना प्रतिशत क्वालकॉम वेंचर द्वारा खरीदा गया? क्वालकॉम वेंचर एक चिप बनाने वाली भारतीय कंपनी है जिसने कुल जियो में 730 करोड़ रुपए में 0.15% शेयर को खरीदा है। और मैं अभी कुल जियो की जो हिस्सेदारी 100% में से जियो के पास 74.76% हिस्सेदारी जियो के पास है, जबकि 25.24% हिस्सेदारी को इतने शेयर को हिस्सेदारों ने खरीद लिया है। अभी कुछ इम्पॉर्टेंट, ये बार बार क्वेश्चन में रिपीट होता है लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो इम्पॉर्टेंट शेयर होल्डर हैं जियो के उनको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, फेसबुक ने जियो के 9.9% शेयर को खरीदा है, यानी कि जो 25.24%
जियो का शेयर बिक चुका है, उसमें फेसबुक ने सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदी है 9.99%, विस्टा इक्विटी ने 2.32% शेयर खरीदा है, केकेआर ने भी 2.32% शेयर खरीदा। ये केकेआर वो आपके आईपीएल वाले केकेआर नहीं है, ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है केकेआर, इसने 2.32% खरीदा है। जनरल अटलांटिका ने 1.34% खरीदा है, सिल्वर लेक ने 1.15% शेयर जियो का खरीदा है। अभी ये क्वालकॉम ने कुल 0.15% शेयर जियो का खरीदा है। जियो के पास अपना खुद का शेयर यानी जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की कंपनी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के पास जियो का 74.76% शेयर है, जबकि 25.25% शेयर जियो का उसके शेयर होल्डर के पास है। और मैंने पूरा रिपीट किया उसको कि कितना परसेंट जो प्रमुख शेयर होल्डर हैं, कितने परसेंट शेयर को प्रमुख शेयर होल्डरों ने जियो के खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल प्लस का रीब्रांडेड नाम क्या है जिसे हाल में ही स्थानांतरित किया गया था। देखिए, गूगल प्लस ये अप्रैल 2019 में बंद हो गया था। गूगल प्लस जो है डॉक्यूमेंट के आदान प्रदान में मदद करता था, साथ ही साथ इसके थ्रू लोग अपने विचारों का भी आदान प्रदान करते थे, लेकिन अप्रैल 2019 में ये बंद हो गया था। अब इसे नए नाम के साथ, गूगल प्लस का नया नाम क्या होगा, गूगल करंट नए नाम के साथ, रीब्रांडेड नाम के साथ इसको निकाला जा रहा है, और ये ऑप्शन ए इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। गूगल प्लस का रीब्रांडेड नाम गूगल करंट है, जिसे हाल ही में स्थानांतरित किया गया। गूगल प्लस दो की स्थान पे गूगल करंट नाम से जाना जाएगा गूगल प्लस अब, और गूगल प्लस 2019 में बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपबर्ग ऑस्ट्रिया में स्टीरियन ग्रैंड पिक्स किसने जीता। देखिए, स्टीरियन ग्रैंड पिक्स ये कार रेसिंग का जो है खेल होता है इसके अंतर्गत, और इसे इस वर्ष जीता लेविस हैमिल्टन ने। लेविस हैमिल्टन मर्सिडीज गाड़ी से रेस करते हैं, और जो ये स्टीरियन ग्रैंड पिक्स है ये सर्किट रेस है, यानी कि गोलाई में इसमें कार रेसिंग करनी होती है, और ऑस्ट्रिया में ये होता है, ऑस्ट्रिया के स्लीपबर्ग नामक स्थान पर, और इसे इस वर्ष जीता है किसने, लेविस हैमिल्टन ने, और ये मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं अपने रेस के दौरान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्डी नागीदास सांघवी, जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। देखिए, ये प्रसिद्ध थे पत्रकारिता के क्षेत्र में और साथ ही साथ लेखक के क्षेत्र में। ये गुजराती पत्रकार, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक थे। 2019 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और इनकी मृत्यु 100 वर्ष की आयु में हुई। 2017 में भारत सरकार की ओर से इन्हें वयोश्रेष्ठ सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। यानी कि नागीदास सांघवी, जिनका जुलाई 2020 में निधन हुआ, ये पत्रकार और लेखक दोनों ही थे। पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ आपको और बता देता हूँ मैं, यहाँ कार रेसिंग की बात हो रही है, तो भारत में कौन कौन सी सर्किट है जहाँ पे कार रेसिंग होती है, कहाँ पे स्थित है, उसका क्या नाम है। देखिए, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, यहाँ पे भारत में कार रेसिंग होती है, ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। मद्रास मोटर रेस ट्रैक, जो कि चेन्नई में स्थित है, यहाँ पे भी भारत में कार रेसिंग होती है। और बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट ये भारत में लेटेस्ट बनाई गई जो है कार रेसिंग के लिए, ये ग्रेटर नोएडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मलाला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। विश्व मलाला दिवस प्रतिवर्ष 12 जुलाई को मनाया जाता है। 2013 में पहला विश्व मलाला दिवस मनाया गया था। मलाला यूसुफजई पाकिस्तानी नागरिक हैं, जिन्हें शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, और शांति के लिए नोबेल प्राइज पाने वाली यह सबसे कम उम्र की महिला हैं। इन्हीं के नाम पे पूरे विश्व में 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिपिंग मंत्रालय ने किस पोर्ट के हल्दिया डॉक परिसर में आधुनिक अग्निशमन सुविधा के लिए 2107 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, शिपिंग मंत्रालय ने किस पोर्ट के हल्दिया डॉक परिसर में आधुनिक अग्निशमन सुविधाओं के लिए
107 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। देखिए, अगर किसी को ये पता हो कि हल्दिया डॉक परिसर कहाँ है, यानी कि हल्दिया कहाँ पर स्थित है, तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। देखिए, हल्दिया स्थित है वेस्ट बंगाल के कोलकाता में, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि हल्दिया डॉक परिसर कोलकाता पोर्ट का ही पोर्ट में ही स्थित है भार, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि शिपिंग मंत्रालय ने 107 करोड़ रुपए कोलकाता पोर्ट के हल्दिया डॉक परिसर में आधुनिक अग्निशमन सुविधा के लिए दिया है 107 करोड़ रुपए। भारत में इस समय कुल 111 वाटरवेज हैं। जैसे हाईवे होते हैं जिसपे हम 4-व्हीलर 2-व्हीलर और जो है ट्रक वगैरह चलती हैं हाईवेज पे, उसी तरीके से वाटरवेज होता है। वाटरवेज पे शिप चलती हैं और इन शिप से पैसेंजर आते जाते हैं और साथ ही साथ माल की ढुलाई होती है, गुड्स की ढुलाई की जाती है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है सामानों को। इन सामानों में पेट्रोलियम पदार्थ भी होते हैं। तो जो हल्दिया डॉक परिसर है, यहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थों का सामान का आना ले जाना ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे जो है क्या किया गया है, अग्निशमन सुविधाओं से युक्त करने के लिए 107 करोड़ रुपए दिया गया है, क्योंकि हमें पता है पेट्रोलियम पदार्थों में आग जल्दी पकड़ती है। भारत में कुल 111 वाटरवेज हैं। जो भारत का सबसे लंबा वाटरवेज है वो है नेशनल वाटरवेज 1, ये सबसे लंबा वाटरवेज है। ये जो है नेशनल वाटरवेज 1, जो नेशनल वाटरवेज 1 है, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से शुरू होता है, वाराणसी होते हुए बिहार जाता है, फिर झारखंड जाता है और फिर झारखंड से होते हुए वेस्ट बंगाल के हल्दिया से जुड़ता है, यानी प्रयागराज टू हल्दिया। ये सबसे लंबा वाटरवेज है भारत का, 111 वाटरवेज हैं। इस वाटरवेज का क्या नाम है, नेशनल वाटरवेज 1। हमारे शिपिंग मंत्री मनसुख मांडविया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन के भारतीय कार्यालय के ने भारत में कमजोर आबादी और बच्चों का समर्थन करने के लिए री इमेजिन अभियान शुरू करने के लिए फिक्की के CDEF के साथ हाथ मिलाया है? यूनिसेफ ने भारत में कमजोर आबादी और बच्चों का समर्थन करने के लिए री इमेज अभियान के लिए फिक्की और CDEF के साथ हाथ मिलाया है। यूनिसेफ यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। COVID-19 के दौरान भारत में कमजोर आबादी और बच्चों की मदद के लिए फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CDEF का फुल फॉर्म है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन, फिक्की और CDEF ने यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है। इससे जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको रोजगार प्रदान कराने का इनका लक्ष्य है, साथ ही साथ जो बच्चे हैं उनके प्रति कोई हिंसा ना हो इस लॉकडाउन के दौरान, इसके लिए लोगों को जागरूक करना भी री इमेजिन अभियान का एक उद्देश्य है। यूनाइटेड नेशन ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की, जिसको मैं कल ही के क्वेश्चन में आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष देशों की अक्षमता के कारण 1 बिलियन बच्चों पर हिंसा होती है, 1 बिलियन बच्चों पर हिंसा होती है। ये हिंसा शारीरिक हो सकती है, ये हिंसा बच्चों पर मानसिक रूप से हो सकती है, या फिर ये हिंसा बच्चों पर यौन रूप से हो सकती है। तो 1 बिलियन, और अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में रहेंगे तो बच्चों पर हिंसा ना हो, इसी के लिए री इमेजिन अभियान की शुरुआत की है यूनिसेफ ने। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड द्वारा, और इसके लिए भारत में यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की मदद कर रहा है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री CDEF, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन। जो है यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क USA में स्थित है, फिक्की का हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में, और फिक्की की चेयरमैन संगीता रेड्डी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 11 राज्यमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? 11 नए राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हरियाणा में किया गया। यह सभी परियोजनाएं राज्य के नए आर्थिक गलियारों का हिस्सा है।
जो हरियाणा है इसकी कैपिटल चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, और हरियाणा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राबरी भारवद और चरण समुदायों की आदिवासी स्थिति पर निर्णय करने के लिए किस राज्य ने एक पैनल आयोग का गठन किया है। देखिए, राबरी भारवद और चरण ये तीनों ही अनुसूचित जनजाति हैं, यानी कि शेड्यूल ट्राइब है गुजरात की। गुजरात सरकार द्वारा एक आयोग बनाया गया है, वो ये जानना चाहती है कि राबरी भारवद और चरण समुदाय के लोगों को जो स्कीम गुजरात सरकार निकाल रही है इन लोगों के लिए, यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए निकाल रही है, उन स्कीमों का कितना फ़ायदा इन्हें पहुंच रहा है और वो कितना विकास इस स्कीम के थ्रू कर सक रहे हैं। इसी के लिए एक पैनल आयोग का गठन किया है गुजरात सरकार ने। यदि वो उनके पास स्कीम प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच रही है तो ये पैनल ये भी सुझाएगा कि आखिर कैसे राबरी भरवद और चरण समुदाय के पास गुजरात सरकार की जो शेड्यूल ट्राइब जो अनुसूचित जनजाति की स्कीम है उसको प्रॉपर तरीके से इन सारे जो है आदिवासी समुदायों के पास पहुंचाया जा सके। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये पैनल ये आयोग का गठन गुजरात सरकार द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक रिपोर्ट शीर्षक दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2020 के अनुसार 2019 में दुनिया की आबादी का कितना प्रतिशत भूखा था। 2019 में दुनिया की आबादी का जो भूखा प्रतिशत है वो है 8.9%, यानी कि दुनिया भर के लोगों में 8.9% लोग जो है 2019 में भूखे रह गए। इस रिपोर्ट को जारी किया संयुक्त राष्ट्र ने। इस रिपोर्ट का शीर्षक था दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2020। अगर हम 2018 से तुलना करें तो लगभग भूखों की संख्या में 10 मिलियन लोगों की वृद्धि हुई है, और अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 की बात करें तो इसमें भारत हमारे देश का प्रदर्शन काफ़ी ही निराशाजनक था। भारत ने 117 देशों में 102 रैंक पे थी, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत में भुखमरी की अगर बात करें तो इसमें भारत का प्रदर्शन बहुत ही खराब था, और भारत 102 मतलब 102 रैंक भारत की थी कुल 117 देशों में, यानी भारत पीछे से 102 रैंक पे था। कुल 117 देश थे जिसमें सबसे खराब प्रदर्शन वाले को 117वीं रैंक मिली। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भुखमरी रिपोर्ट में जो सबसे खराब प्रदर्शन किया उसको 117वीं रैंक, जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया इसमें उसको पहली रैंक, और भारत की 102 रैंक। ये भारत के लिए काफ़ी निराशाजनक बात थी, क्योंकि भारत एक अच्छी इकोनॉमी का देश है, तो और यहाँ पे अगर ज़्यादातर लोग भुखमरी से शिकार हैं तो फिर ये एक भारत जैसे देश के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में 102 रैंक थी, और अभी जो रिपोर्ट आई है इसके अनुसार 8.9% लोग 2019 में जो है ये भूखे रह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक रिपोर्ट, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक रिपोर्ट शीर्षक दुनिया में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2020 के अनुसार 2019 में दुनिया की आबादी का कितना प्रतिशत भूखा था, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 8.9%। केंद्र सरकार किस राज्य में फसल विविधीकरण और तालाबों के कायाकल्प के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, और इसी में इस 1500 करोड़ रुपए में से 500 करोड़ रुपए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लिए आवंटित किया गया। यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, मेरा पानी मेरी विरासत है, जबकि ये है मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। फसल विविधीकरण और तालाबी कायाकल्प के लिए जो 1500 करोड़ रुपए दिया गया है उसी में से, ये प्रदेश है हरियाणा। हरियाणा में जो मेरा पानी मेरा विरासत है इसके लिए 500 करोड़ रुपए दिया गया, इसमें तालाबों एवं नहरों के लिए कायाकल्प किया जाएगा, और जो फसल विविधीकरण योजना है इसके लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गया। इस योजना के तहत किसानों को धान गेहूं के अलावा वैकल्पिक फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वैकल्पिक फसल यानी कि जैसे
मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, बागवानी की फसलें जैसे आम, अमरूद, लीची, इन सब फसलों को लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें फ्री में बागवानी फसलों की पेड़, फ्री में कपास, बाजरा, दलहन के बीज, मक्के के बीज प्रदान किए जाएंगे। यानी फसल विविधीकरण के लिए 1000 करोड़ रुपए, तालाबों के कायाकल्प के लिए, नहरों के कायाकल्प के लिए 500 करोड़ रुपए। तालाब और नहर का जो कायाकल्प होगा, इस योजना का नाम है मेरा पानी मेरी विरासत योजना, इसके लिए 500 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार को दिया गया। हरियाणा में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, देखिए हरियाणा का एक क्वेश्चन आया था जिसमें मैंने आपको कैपिटल, सीएम और गवर्नर बता दिया था। अभी यहाँ पे आप जान लें कुछ नेशनल पार्क और कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम जो महत्वपूर्ण हैं हरियाणा में। कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं हरियाणा के। सुल्तानपुर नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में नहीं लगाएंगे, सुल्तानपुर नेशनल पार्क स्थित है हरियाणा में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कलेसर नेशनल पार्क भी है और कलसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी नाम है। छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित हैं हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण 12 जुलाई 2020 को मनाया गया? इसी 12 जुलाई 2020 को नाबार्ड का स्थापना दिवस था, उसी उपलक्ष्य में 13 जुलाई को नाबार्ड ने डिजिटल चौपाल का भी आयोजन किया था। नाबार्ड का ये जो 12 जुलाई 2020 को स्थापना दिवस मनाया गया, ये 39th स्थापना दिवस था नाबार्ड का। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस अवसर पर नाबार्ड ने 13 जुलाई को अपना पहला डिजिटल चौपाल का आयोजन किया, जिसमें देश भर के किसानों को एक साथ लाया गया जो ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं द्वारा नाबार्ड से जुड़े हैं। नाबार्ड एक शीर्ष संस्थान है जिसका प्रमुख कार्य कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक के माध्यम से धन उपलब्ध कराना है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके अभी 9 नियुक्त चेयरमैन गोविंद रजूलू चिंटाला हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बीमा कंपनियों के लिए IRDAI द्वारा अल्पकालिक मानक स्वास्थ्य नीति है? देखिए IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये बीमा कंपनियों के लिए नियम कानून समय समय पर जारी करती रहती है ताकि जो इंश्योरेंस कराते हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके। तो IRDAI ने अभी हाल ही में 2 कोरोना कवच और कोरोना रक्षक 2 बीमा को अनिवार्य कर दिया है, लागू कर दिया है। प्रत्येक बीमा कंपनी को कोरोना कवच और कोरोना रक्षा बीमा करना ही होगा, ऐसा अनिवार्य कर दिया है IRDAI ने। ये क्या है, देखिए कोरोना कवच कोरोना रक्षा, अभी जो है COVID-19 की वजह से काफ़ी लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो सभी बीमा कंपनियों को ये अनिवार्य कर दिया गया है कि जो भी कोरोना से संबंधित बीमा लेना चाहे उन्हें ये बीमा प्रदान करना अनिवार्य है प्रत्येक बीमा कंपनी के लिए। कोरोना कवच में मिनिमम जो पैसे मिलेंगे वो 50,000 और मैक्सिमम 5,00,000, जबकि कोरोना रक्षा में मिनिमम पैसे 50,000 ही हैं जबकि मैक्सिमम 2,50,000 है। अब जैसा आप स्कीम लोगे उसी हिसाब से आपको प्रीमियम देना होगा। कोरोना कवच में 5,00,000 है तो इसका जो आपको इंश्योरेंस की राशि देनी होगी वो ज़्यादा देनी होगी। कोरोना रक्षा में 2,50,000 रुपए तक मिलना है तो इसकी जो राशि देनी होगी इंश्योरेंस कराने की वो कोरोना कवच की तुलना में कम होगी। ये कोई भी व्यक्ति ले सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है और 65 वर्ष या उससे कम है। 18 से 65 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति कोरोना कवच या फिर कोरोना रक्षा बीमा को ले सकता है विभिन्न कंपनियों द्वारा। इसे अनिवार्य कर दिया गया है IRDAI द्वारा। अगर कोई स्वास्थ्य कर्मी इस बीमा को लेता है तो उसे बीमा राशि पे 5% की छूट भी देना अनिवार्य किया है IRDAI ने। IRDAI का जो हेडक्वार्टर है ये हैदराबाद तेलंगाना में है, इसके चेयरमैन सुभाष चंद्र कुंतिया हैं और IRDAI का फुल फॉर्म मैं रिपीट कर रहा हूँ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये एक संस्था है जो कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों पे नियम और कानून को लागू करती है और जो इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति होते हैं उनके हितों की रक्षा करती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी कुछ दिन पहले ही जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो क्वेश्चन था कि बीसीसीआई के सीईओ के कौन सीईओ ने जो है इस्तीफा दे दिया, तो उस समय आंसर था राहुल जौहरी ने बीसीसीआई के सीईओ पद से इस्तीफा दिया था। अब यहाँ पे पूछ रहा है अब वो पद खाली हुआ तो किसे नियुक्त किया गया राहुल जौहरी के स्थान पर? राहुल जौहरी के स्थान पर नियुक्त किया गया जिसे, इनका नाम है हेमंग अमीन को बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया और राहुल जौहरी ने इस्तीफा दे दिया, इस वजह से ये पद खाली हुआ था। बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है, इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने आसपास को कोरोना मुक्त करने के लिए शुद्ध नामक एक परावैगनी सैनिटाइजिंग उत्पाद को विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नामक परावैगनिक सैनिटाइजिंग उत्पाद को विकसित किया है। अल्ट्रावायलेट रेज निकलेगी इस उपकरण से जिससे कि आसपास का एरिया, अल्ट्रावायलेट रेज क्या करता है, ये बैक्टीरिया और वायरस को मारने का काम करता है। तो इस जो उपकरण को बनाया है आईआईटी कानपुर ने शुद्ध नाम से, ये अल्ट्रावायलेट रेज ही को निकालेगा जिससे कि क्या होगा कि आसपास का एरिया वायरस और बैक्टीरिया मुक्त होगा। इससे अस्पताल, होटल, मॉल, कार्यालय, ऑफिस, स्कूल को कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी। तो ऑप्शन बी आईआईटी कानपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएलआर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड में मेक इन इंडिया पहल के तहत असॉल्ट राइफल ARAD और कॉर्मेल भारत में निर्मित होने के लिए तैयार है। ARAD और कॉर्मेल किस देश की राइफलें हैं? ये दोनों ही राइफलें इसराइल की हैं और ये अब भारत में बनाई जाएंगी। देखिए, अगर हम किसी देश से कोई उपकरण खरीदते हैं या फिर कोई डिफेंस से संबंधित सामान खरीदते हैं, वो कोई भी सामान हो, राइफल हो, जेट प्लेन हो या फिर लड़ाकू विमान हो, कोई सा भी सामान हो, तो दो तरीके से इसकी खरीद की जाती है। एक तो आप उस देश से वो टेक्निक खरीद सकते हो जैसे कि उसको वो बना रहा है, दूसरा आप खरीद सकते हो सिर्फ सामान। अगर आप सिर्फ सामान खरीदते हो तो आपको टेक्निक नहीं दी जाएगी, आपको बार बार उस देश के पास जाना पड़ेगा। और अगर आप टेक्निक भी लेते हो तो आप अपने देश में उसका निर्माण कर सकते हो। तो असॉल्ट राइफल, ARAD और कॉर्मेल, इस दोनों की भारत ने सामान तो लिया ही, साथ ही साथ टेक्निक भी खरीद ली। अब ये दोनों राइफलें भारत में मेक इन इंडिया के तहत निर्माण की जाएंगी और इसकी निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है पीएलआर सिस्टम को। पीएलआर सिस्टम की जो ये फैक्ट्री है ये भिंड मध्य प्रदेश में स्थित है और इसके जो हेड हैं वो अशोक वाधवान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2021 एशिया कप टूर्नामेंट की मेजबानी करने की योजना बनाई है? श्रीलंका ने 2021 एशिया कप के मेजबानी करने की योजना बनाई है। 2020 एशिया कप स्थगित कर दिया गया कोविड-19 पैंडमिक की वजह से और अब अगले साल ये प्रायोजित है सितंबर में, और अगर कोविड-19 तब तक समाप्त हो जाता है तो श्रीलंका इसकी मेजबानी करेगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक के लेखक हैं स्टीफन किंग। स्टीफन किंग द्वारा लिखी हुई चार अलग अलग कहानियों का ये पूरा संग्रह है इफ इट ब्लीड। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जेके राउलिंग दिख रहे हैं, जेके राउलिंग बहुत ही फेमस लेखक हैं, इन्होंने ही हैरी पॉटर की जो कहानियाँ हैं वो लिखा है। तो आप जेके राउलिंग को भी याद रखेंगे कि जेके राउलिंग जो है ये हैरी पॉटर की कहानियों के लेखक हैं और इफ इट्स ब्लीड स्टीफन किंग ने लिखा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करेंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।